तुझे सामने देख दिल थामने मैं लगा तू नजर ना चुरा तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे ये दिल हो गया है तेरा तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा यूं ही फैंटेसी ना बना तू बेकार ताके शकल देख जाके जरा खैर अपनी मना आगे पीछे फिर है क्यों तमाशे करे है होने वाला नहीं कुछ तेरा ख्वाब दिखे तू देखे कोई तुझको ना रोके पर अभी होश कर तू जरा कैसे इतरा रही है क्यों उड़ी जा रही है रख तू जमीन पर जरा कर लिया है इरादा कहीं लिख ले ये वादा तुझे अब है नहीं छोड़ना सोच कर तो बढ़ा ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा पैकअप तू जा अपना चेकअप करा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी सोनिए बड़ा तू रोमियो शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए बातें शातें बनाना दूसरों को सताना तूने सीखा कहाँ से बता उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता ये अकड़ ना भी तेरा दिल है धड़का है मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे हाथ में हाथ मुझको थमा ये टुकड़े उठाना अभी लेके जाना जो टूटेगा अब दिल तेरा तू कर ले बहाना मगर लेके जाना जरूरी हुआ दिल तेरा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी सोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए रोमियो मैं कल बाजार गई थी और मैं इतना प्यारा सूट लेकर आई हूँ जहेज के लिए तुम बोलो कि हीर तुम बेस्ट हो ठीक है और सुनो सुनो अपा ने ना शीशम की लकड़ी का बेड बनने के लिए दिया है
सुन रहा मैं क्या कह रही हूँ? तुम कुछ कह रही हो? Of course सुन रहा हूँ मैं, of course. अच्छा, क्या कह रही थी मैं? उस टाइम तुम कह रही थी, तुम सुन ही नहीं रहे मैं क्या कह रही थी. एक जेदी था जो मेरी एक एक बात लिख लेता था. मैं कहती थी दिन है तो वो कहता था दिन है. मैं कहती थी रात है तो वो कहता था रात है. जेदी बेचारा रात के फर्क का भी नहीं पता था, तुमसे पूछता था? जी नहीं, वो मुझसे मोहब्बत इतनी करता था. तुम मुझे कूल लगते हो. थैंक यू, कूल कहने के लिए. कूल से मेरा ठंडा होता है. तुम इस पे खुश हो रहे हो? जेती तो दिन रात घर के चक्कर लगाता था कि शादी की तारीख दे दो, और तुम तो लगता है शादी करना ही नहीं चाहते. मैं पढ़ रहा हूं. कर लेना तुम पढ़ाई. हीर और टाइम किसी का इंतजार नहीं करते, उनका इंतजार होता है. तुम चाहती क्या हो? साइलेंस प्लीज. सॉरी. हीर कोई आम सी लड़की नहीं है कि उसे कुछ आम चाहिए. मुझे खास तवज्जो चाहिए. मोहब्बत कोई बिजली नहीं घंटे बाद घंटे की लोड शेडिंग. मोहब्बत मुसलसल होती है. लेकिन वो सेमेस्टर की पढ़ाई. तुम करते रहो सेमेस्टर की पढ़ाई. हीर रुको. अरे आप लोगों को रुकने को नहीं कह रहा हूं, हीर को रोक रहा हूं. नाराज हो गई है, क्या करूं? फिल्मों में ऐसे मौके पे गाना गाना होता है. कैसे खो गए हम? तुम ऐसे कैसे खो गए? सावा विकट बज दिए बेड़े फेरा ला. गलन कदी क्यों बनता मेरी नाचना? समझे ना कोई मेरी दास्तां. मैनू चले बारी कह दे तू झूठा सही. दुनिया दस दे तेरिया.
पापा पापा वो आपसे एक जरूरी बात करनी है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा। हाँ पापा मैं जानता हूं, आपने कहने के जाके मामा से बात करो। तो फिर क्यों तुम रोजाना मुझसे यही बात करते हो? क्योंकि मैं उनसे बात करता हूँ, वो कहती हैं कि जाके पापा से बात करो। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बात में दम नहीं। मुझे समझ में नहीं आती कि तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्या है। देखो बंदा शादी के एक हफ्ते बाद तक यही सोचता रहता है कि मैंने शादी करने में इतनी देर क्यों की, और फिर सारी जिंदगी सोचता है कि मैंने शादी करने में इतनी जल्दी क्यों की। पापा एक्चुअली बात यह है कि हीर के घर वाले जल्द शादी चाहते हैं। तुम्हारी इसी दलील की वजह से तुम्हारे मामा पापा नहीं मान रहे। पापा बताए ना मैं क्या करूं, प्लीज मेरी हेल्प करें। मामा भी आ गई। डॉक्टर साहिबा आपका बेटा चाहता है कि उसकी शादी उस दिन हो जिस दिन आपकी बर्थडे है। ओ, मेरे बेटे को अपनी मामा से इतना प्यार है। आपकी सालगिरह 3 महीने के बाद है, और जब तक रोमियो भी एग्जाम से फारिग हो जाएगा तो क्यों ना इसकी ससुराल वालों से बात करके शादी की वो डेट फिक्स कर ली जाए जो कि आपकी बर्थडे वाली है। मैं कल ही बात करती हूँ। वाह, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी उनको फोन करके बता देता हूँ कि मेरे मामा पापा कल शादी की डेट फिक्स करने आएंगे। क्यों नहीं, इसी बहाने राजा साहब को मेरे बर्थडे का डेट भी याद हो जाएगा। अभी तक नहीं आया। आ जाए। आफ्टर ऑल मैं तो मार दूं, हराम है जो मुझे किसी ने बताया हो कि आज दिन रखने वाले मेहमानों को क्या देना है। अम्मा ने कहा भी था कि नजर भाई को कपड़े दिखा देना। एक तो इस आदमी के होते हुए मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरी सास नहीं है। आए देख ले, ये ले। इज्जत ही कोई नहीं मेरी? जिस घर में मेरी इज्जत ना हो उधर रहने का फायदा क्या? जा रहा हूँ मैं अपने घर। नहीं 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 नहीं, अरे कहाँ जा रहे हैं, माफ कर देना। आपको तो पता है आज हीर के ससुराल वाले दिन रखने आ रहे, और आपके बगैर कैसे होगा? हाँ, आई मैं आपको दिखाती हूँ, खुद ये ये देखिए, ये रोमियो के लिए, और ये रोमियो के अब्बा जान के लिए, और ये चूड़ियाँ और जूते ना बहुत अंदर है, लेकिन ये रोमियो की बहन के लिए, और ये वाला जोड़ा है ना ये रोमियो की अम्मा के लिए। अच्छा है ना? इस सूट केस में दामाद का जिक्र ही कोई नहीं। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ यार। अरे नजर भाई आपके कपड़े हीर के ससुराल वाले लाएंगे ना। अच्छा अच्छा, वैसे तो मैं बड़ा सादा आदमी हूँ, लेकिन उनसे कहना कि सूट पैंट मुझे कोई बड़े ब्रांड का दे। आफ्टर ऑल वैसे मुझे भी नया मोबाइल लेना था। हाँ। सोचा किसी दुकान से क्या लेना, रोमियो भाई से ले लूंगा। खबरदार जो कुछ मांगा है वो जो खुशी से दे, और किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। ना जरूरी क्यों नहीं है, ये रस्में ही तो शादी ब्याह की रौनकें होती है, वरना तो कोर्ट मैरिज लगती है। इरशाद भाई मेहमान आए नहीं अभी तक? नहीं अब अभी तक नहीं आए। अच्छा अफलातून, वही मेहमानों के आते ही तुमने तिलों वाले कुलचे लेने चले गया था। पहले खाना होगा उसके बाद रसम होगी। भी हीर बेटा पता करो मेहमान आए क्यों नहीं अभी तक। रोमियो ने कहा था वो शाम तक आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। मैं पूछती हूँ माल्टे और ससुराल अल्लाह ने सिर्फ खाने के लिए पैदा किए हैं,
और निचोड़ने के लिए भी। हेलो रोमियो। ओ मेरे जहन से निकल के, मैं अभी कॉल करके डेट फिक्स करती हूँ। फिक्र क्यों करता है मेरा बेटा? परी, जब तक मैं ना कहूं अगली मरीजा को मत भेजना। डू नॉट डिस्टर्ब। अभी तक नहीं आया। भूख लगी है। तुझे तो हर वक्त भूख लगी रहती है। जहर मार कर लिया कर कुछ। आए नहीं अभी तक। अब वो रोमियो की मामा बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम समदन जी। जी बस इंतजार ही कर रहे। जी जी। क्या जी? नहीं नहीं जी, ऐसे थोड़ी होता है जी। क्या हुआ? लाओ मुझे बात करो। डॉक्टर शनाज का फोन है, अजीब सी बात कर रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी हकीम लुकमान। जी क्या बात है जी? आपके पास कैलेंडर है? हमारे दवाखाने का कैलेंडर साल में दो मरतबा छपता है, आधा आधा करके। अब्बा आधा आधा इसलिए छपवाता है ताकि खर्चा आता हो। जा कैलेंडर लेके आ। हम रोमियो की शादी तीसरे महीने की 3 तारीख को रखना चाहते हैं। कैलेंडर आ गया? मुझे बस ला रहा है बच्चा, जल्दी ला। अफलातून जल्दी कैलेंडर लेके आ, जल्दी आ। ओ कमबख्त, हमारा लाना था ना। किसी और का ले आया, वो असल में हमारे कैलेंडर की डिमांड ही इतनी है जी कि हमारे लिए बचता ही नहीं है। हाँ जी जी, 3 तारीख को बनता है हफ्ता, हम हफ्ते को बारात लाएंगे। आप लोगों को एतराज तो नहीं? शादी की तारीख तय हो गई। देखें जी, इस तरह से तो शादी की डेट फिक्स नहीं ना होती। ये शादी की तारीख है, कोई ऑपरेशन की तारीख तो नहीं है कि फोन पर हो जाए। आप ऑपरेशनों पे जिक्र करेंगे ना तो फिर मैं भी ब्यूटी क्रीम्स और मार्जिनों पे बात करूंगी, और मैं बात करूंगी ना तो ब्रेकिंग न्यूज होगी। नहीं नहीं जी, मेरा ये मतलब नहीं था। वो हमने आपके लिए खाने का इंतजाम किया हुआ है, तो आप सब घर वाले आए हमारे यहाँ, फिर जो आप फरमाएंगी सर आंखों पर। एक तो 2 घंटे आपके घर आने जाने में लग जाते हैं, ये ट्रैफिक है। देखें आप हमारे घर आएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी। वो तो डेफिनेटली बढ़ेगी, मैं कोशिश करती हूँ जी। ठीक है जी। बेटा हीर, ये रोमियो के घर वाले अजीब हैं। रोमियो की माँ टेलीफोन पर शादी की तारीख तय करना चाह रही है। वो अब्बा, वो डॉक्टर है ना, तो सुबह शाम बस क्लिनिक, उनको तो ऑपरेशंस करने आते हैं, चीजों का उनको क्या पता। हम ऐसे ही उनके इंतजार में भूखे बैठे हैं, उनका पक्का पता भी नहीं है कि उन्होंने आना है कि नहीं। इरशाद, नजर को तो खाना खिला दो, ये मसला तो हल हो। तुझे तो भूखा ही रखूंगा, भूखा मारूंगा तुम्हें। और ये कैलेंडर तू कौन सा लेकर आ गया? वो सलाद में चुकंदर थोड़ी कम रखना। ये जूता दे। कुकड़ शुकड़ का मूड बना के बैठा, ये ले। इतना ट्रैफिक है, कहाँ फंसा दिया बेटे ने? रोमियो को नजर क्या है इस लड़की में? माएं सारी यही सवाल करती हैं, मेरी माँ भी यही सवाल करती थी। वो सामने देखकर अभी लगने लगी थी। लगी तो नहीं ना, वो तो दूसरे ने बचा लिया, वरना तुमने कौन सी कसर छोड़ी थी। फोन पे डेट सेट कर लेते,
कौन सा आसमान सर पे गिर पड़ना था? ये अंदरूने शहर के लोग जरा रिवायती टाइप के होते हैं। लग गई ना, तुम्हें नजर नहीं आता, अंधे हो क्या? पुलिस को फोन करें, इसने मेरी गाड़ी का लाखों का नुकसान करवा दिया है। वो जी थोड़ी सी तो रगड़ लगी है। What? जाहिल, बदतमीज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पकड़ के रखे इसे। शहनाज, गरीब आदमी है, पकड़ने का क्या फायदा? मैं इसे जेल में बंद करवा दूंगी। हेलो, एसएचओ साहब, प्रोफेसर राजा, इसको पकड़ के रखे। हाँ जी, पुलिस को भेजे फौरन। अभी दंडी काट, दंडी काट कर भाग ले यहाँ से। मेरे हाथ पे काट लिया इसने, मुझे एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। शहनाज, शहनाज, ओह वो मुझे काट गया। शहनाज, शहनाज, ओह जा रहा हूँ सोने, मेहमान आए तो मुझे जगा देना। नजर भाई, अगर आप सो गए तो जो तोहफे उन्होंने लाने हैं वो मैंने अपनी मर्जी से ही चुन लेने। मैं तो ऐसे ही तुझे चेक कर रहा था, नींद भी नहीं आ रही मुझे। अफलातून, तू जाके देख, तुम्हें घर का रास्ता ना भूल गया हो। तंदूर बंद हो गया, अब ताजा कुलचे नहीं मिलेंगे। अरे अब्बा, मिल जाएंगे, अफलातून जाके ले आएगा कहीं ना कहीं से। वैसे भी तो आके चाय शाय पियेंगे ना, आप परेशान ना हो। पता नहीं कहां से मिलेंगे इस वक्त कुलचे। हाँ नहीं, अभी पहुंचे तो नहीं, मुझे तो लगता है शादी वाले दिन भी ना बारासीडी क्लिनिक पे लेके जाएंगे। क्या? सॉरी सॉरी। क्या हुआ? अम्मा, अब्बा, वो रोमियो की मामा की गाड़ी लग गई। क्या हुआ? उनकी गाड़ी लग गई। अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। अम्मा, अब्बा, मेहमान आ गए। अकेले ही आया, पीछे सामान वाले बंदे किधर है? नजर तू चुप कर ना। आइए 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 आइए, प्लीज तशरीफ रखिए जी। सॉरी आंटी, वो पता चला कि आपकी गाड़ी लग गई। इतनी बुरी ट्रैफिक आप लोगों के इलाके में, हर कोई घुसे चला रहा है। एक मोटरसाइकिल वाला मार के निकल गया। मोटरसाइकिल वाला? ओ मंजूर होगा, अब मेरा बताना था ना। बताने से क्या होता? तो फिकर नहीं करे, मैं आपका खर्चा निकलवा दूंगा। अब ये कोई 1000-1500 तो होगा। डेढ़ दो लाख का खर्चा। आप कुछ खाए ना जी? मैं इसी डर से, ट्रैफिक के डर से गाड़ी नहीं ले रहा। असल में इस इलाके में गाड़ी लेने से पहले चलाने के लिए ना सड़क लेनी चाहिए। आप खाइए ना। हमने नहीं खाना। आप तारीख फाइनल करें और चलें। फोन पे फाइनल कर ली होती ना तो आज मेरी गाड़ी भी ना लगती। वैसे भी हम ये सब नहीं खाते, तो 3 तारीख ठीक रहेगी।
एक मिनट, मैं आफ्टर ऑल दमाद हूँ, मेरा भी कुछ कहना बनता है। ये आप शादी की तारीख रखने आए हैं या मरीज चेक करने? क्या मतलब? लो, क्या मतलब? देखिए मैं कुछ कहूँ ना कहूँ, लोगों ने तो पूछना है। हाँ, तारीख रखने आया, मिठाई का टोकरा किसने उठाया? मैं हकीम साहब का कंधा खाली है, इसके ऊपर चादर ही डाल दे। हीर के लिए क्या तोहफे लेके आए? बड़ा दामाद सामने बैठा है, इसके लिए कुछ तोहफा? ये आप लोग दिन रखने के लिए आए हैं ये माहौल करने? This is too much. पता नहीं क्यों मैं हर मर्तबा अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ जाती हूँ। रासन, चले। We're going. चले, चले, बात तो सुने समधी जी, समधी जी बात तो सुने मेरी। अरे रुक, बात तो सुनिए। अरे कहाँ जा? वैसे मेरी बात सुनो, अभी हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को एक दूसरे को पसंद करना बाकी है। हैं? वो क्यों एक दूसरे को पसंद करेंगे? शादी हमारी होनी, उनकी थोड़ी। यार हमारे खानदान में ना एक्चुअली लड़का लड़की को पसंद करने से ज्यादा एक दूसरे की फैमिली को पसंद करना बहुत जरूरी है। अल्लाह, यानी कहानी में भी और भी ट्विस्ट है। देखो हमारी मोहब्बत सच्ची है, और सच्ची मोहब्बत में ना हमेशा ही पंगे होते हैं। अच्छा, तो फिर काम करो, अपने पेरेंट्स से पूछ के बताओ मेरे मामा पापा कब आ सकते हैं। मेरे मामा पापा तो एवर रेडी हैं। तुम एक काम करो, उनको इतवार को ले आओ, उस दिन बाजार का रश भी कम होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाजार के रश की वजह से हमारे रिश्ते पे कोई असर पड़े। अब तक तो डेट फिक्स हो चुकी होगी, और हीर ने मुबारकबाद का फोन ही नहीं किया। हेलो, वो मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। तो तुम्हें पता चल गया यहाँ क्या हुआ है? मैं बहुत अपसेट हूँ। ओह हाँ, वो होता है अक्सर, लड़कियों की डेट फिक्स हो जाती है ना तो घर छोड़ने की फीलिंग उन्हें अपसेट करती है। मैं उस पर अपसेट हूँ जो यहाँ हुआ है। क्या हुआ? मामा पापा वही है ना? नहीं, चले गए हैं। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ तो करो ना। कल करूंगी मिलकर। नहीं, क्या हुआ है मुझे बताओ, अभी बात करो मुझे। कुछ ठीक नहीं है, अभी मेरे घर वाले मौजूद हैं, मैं फिर बात करूंगी तुमसे। हीर, सब ठीक तो है ना? मैं इसलिए तुम्हें नहीं बता रही क्योंकि फिर टेंशन में तुम्हें नींद नहीं आनी। कल मिलकर बताऊंगी ना। टेंशन किस बात की? तुम मजाक कर रही हो ना मुझसे? सच बताओ हीर, क्या हुआ है? काश मैं मजाक कर रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अरे क्या हो गया मुझे बताओ तो, हुआ क्या है? फोन पर नहीं बता सकती ना, कल मिलोगे तो बताऊंगी, बस सुबह जल्दी कैंपस आ जाना। तो कल तक का मुझे वेट करना पड़ेगा जाके? हीर, हीर मुझे अभी बताओ क्या हुआ है। अच्छा तुम रिलैक्स करो, वो अब्बा आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। हीर, हीर, हीर मेरी बात सुनो, मुझे अभी बताओ क्या हुआ है यार। हीर, हीर। भाई आप मैरिड बंधु की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? अभी आप मैरिड नहीं है। हेलो मामा। मामा को क्या हुआ? मोबाइल को क्या हुआ?
वो घर के टूट गया था। मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे क्या बोल रहे हैं? पापा मामा को क्या हुआ? तुम्हारी मामा की गाड़ी लग गई, और सिर्फ गाड़ी नहीं लगी, वो जो आफ्टर ऑल मैं दमाद हूं, वो भी जोर से लगा। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। अरे मुझसे ज्यादा किसे पता होगा कि तू नहीं समझता। वैसे अगर उन्होंने यही सब कुछ करना चाहा तो उन्हें चाहिए था कि हमें डिमांड नोटिस सर्व करते, ताकि हम उनकी मतलूबा अशिया की होम डिलीवरी करा देते। पर हुआ क्या है? अरे वही तो बता रहा हूं, जो तू चाहता था ना वो नहीं हुआ। पापा मामा आप ही बता दें हुआ क्या है। तुम इन लोगों के अलावा कोई और नहीं मिला था शादी करने के लिए? इनको बात करने की तमीज नहीं है, क्वैक्स। मैं जब उनके घर जाती हूँ मेरी इंसल्ट कर देते हैं। लेकिन वो आपकी इंसल्ट क्यों करेंगे? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब कोई मुझे बताए तो हुआ क्या है। ये जाहिल लोग हैं, अब मैं इनके घर कभी नहीं जाऊंगी। हम घर के अंदर दाखिल नहीं हुए कि मिठाई का टोकरा कहाँ है, फलाना का जोड़ा कहाँ है, उसकी चीज क्यों नहीं लाए, इतने लालची लोग। ऊपर से मेरी गाड़ी भी लग गई थी तो मुझे गुस्सा आ गया। ऊपर से नहीं लगी, साइड से लगी थोड़ी सी। अरे तो वो उनकी कोई रस्में होंगी, इसमें बड़ी बात कौन सी है? बड़ी बात नहीं है क्या? कहां लिखा है कि फजूल रस्मों के बगैर रिश्ता नहीं हो सकता? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ये सब नहीं होता। तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ता क्या? रिश्ता हुआ ही कौन सा था जो टूट गया? करने की तमीज नहीं है, क्वैक्स। मैं जब उनके घर जाती हूँ मेरी इंसल्ट कर देते हैं। लेकिन वो आपकी इंसल्ट क्यों करेंगे? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब कोई मुझे बताए तो हुआ क्या है। ये जाहिल लोग हैं, अब मैं इनके घर कभी नहीं जाऊंगी। हम घर के अंदर दाखिल नहीं हुए कि मिठाई का टोकरा कहाँ है, फलाना का जोड़ा कहाँ है, उसकी चीज क्यों नहीं लाए, इतने लालची लोग। हीरो, क्या बात है, आपके मूड के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊं क्या? ओह ये, ओह अच्छा बस। क्या हुआ है तुम्हें यार? हीर बता देती रात को ही कि क्या बात है, एटलीस्ट आराम से तो सोता मैं। लो कर लो बात, मैंने इसलिए रात को तुमको नहीं बताया, वरना तुम सारी रात दुखी रहते। वैसे तो जैसे मैं बड़ा खुशी से सोया था ना। हाँ तो इसीलिए नहीं बताया। मेरी मामा बहुत गुस्से में। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मामा के शनाख्ती कार्ड पर शनाख्ती अलामत चेहरे पे गुस्सा है क्या? इतने लोगों के मुंह ही बनाती है जितना वो खुद बनाती है अपना। मेरी बात सुनो, उनका बनता है ये कोई तरीका है घर आए मेहमान से भला कोई पूछे कि मिठाई नहीं लेकर आए, उसके कपड़े, उसका फला। तुम्हारे मामा पापा की कोर्ट मैरिज हुई थी क्या? उनको नहीं पता जब तारीख रखते तो ये सब करते हैं। सब नहीं हीर, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, तुम्हारी फैमिली अब तक 70s में। वैसे हीर ना इंटेलिजेंट है बहुत, मैंने हिसाब लगा लिया है कि
कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते नहीं कि हमारी शादी हो, इसलिए बहाने बहाने से लड़ते हैं। वैसे रोमियो भी बहुत इंटेलिजेंट है हीर, मैंने भी हिसाब लगा लिया है। तुम्हारी तरफ कुछ लोग हैं जो मसला खड़ा करके हमारी शादी रोकना चाहते हैं। मेरे अम्मा तो बहुत ही मासूम है, तुम्हारी मामा है हिटलर टाइप। और तुम्हारे घर में जो नमूने हैं, जैसे 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 क्या जैसे जैसे ही हुसन का नमूना। ऐसे हीर देखो, अगर हमारे पेरेंट्स हमारी शादी नहीं कराना चाहते ना, तो हमें बहुत चलाकी दिखानी पड़ेगी। चलाकी से काम लेना तुम, मैं तो जहानत से काम लूंगी। और वैसे बताऊं क्या करना है, अगर हमारे पेरेंट्स ना माने तो भाग जाएंगे। तुम्हारे लिए तुम्हें कैसे पता मैं ये बात कहने वाली थी? अच्छा प्लान बनाओ। तुम अपने मिशन पर, मैं अपने मिशन। माँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कि मैंने शान जैसे शादी करने का फैसला कर लिया है। अरे यार तुम तो चुप करो ना, मैंने मामा से जरूरी बात करनी है। मामा, मैंने हीर के घर वालों को फोन कर दिया था। अब जाहिर है मैं आपकी इंसल्ट तो बर्दाश्त कर नहीं सकता, सुनाई उन लोगों को मिला मिला के। मैंने कह दिया, मैंने बोला तुम लोगों के अंदर हिम्मत कैसे हुई मेरी मामा के साथ ऐसे बात करने की। राज साहब जरा इधर आना। हाँ रोमियो, बताओ क्या कह रहे थे? बस मैंने कह दिया, मैंने बोला रस्में वस्में कोई नहीं होंगी, अपनी बेटी हीर की शादी करनी है तो करो, नहीं करनी तो नहीं करो। राज साहब सुना मेरा बेटा कितना अच्छा है। और कितना चालाक भी, मेरा मतलब है ज़हीन भी। वो माफी मांगेंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। यही कहा मैंने बोला जब तक मेरे मामा पापा से आगे माफी नहीं मांगोगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। कब बुलाऊं? वो माफी मांगने आ रहे हैं क्या? आ रहे थे ना, आ रहे थे। मैंने कहा मेरे मामा पापा के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जो बात करनी है मुझसे करो, मैं आगे पहुंचा दूंगा। मैं टाइम निकालूंगी, तुम आने दो ने। मामा वो तो फारिग है, आप अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और मरीज को कैसे इग्नोर करेंगी? उन्हें एहसास होना चाहिए, आने दो ने। ये एहसास हो गया, पता है वो माफी भी मांग रहे थे। किससे माफी मांगी उन्होंने? आपसे ही तो मांगी थी, मेरे सामने। मैंने कहा मेरे मां पापा के पास इतने फालतू कामों के टाइम नहीं है भाई, मुझसे मांगो। मैं एक तरीका बताती हूँ, उससे टाइम भी बच जाएगा और माफी भी हो जाएगी। उनसे कहो माफी की एक वीडियो बना के भेजते, वक्त आने पर हम उसे अपलोड भी कर सकते हैं। जब तक वो आके मुझसे खुद माफी नहीं मांगेंगे मैं उनसे बात नहीं करूंगी। इतने शर्मिंदा है तो छुपके क्यों बैठे हुए?
वो आके मुझसे माफी मांगेंगे, फिर मैं सोचूंगी कि मैं क्या करूंगी। पापा वो बहुत शर्मिंदा है, वो तो कह रहे थे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने मम्मी पापा को भेजो और उनको बोलो शादी की डेट फिक्स कर लें। हम उनके घर जाके अपनी बेइज्जती करवा लें और उनसे इतना नहीं होता कि वो हमारे घर आके हमसे माफी मांगे, और उनका क्या भरोसा फिर कोई ना कोई चीज मांग ले, क्या पता उधारी मांग ले। अरे मामा वो कह रहे थे, उन्होंने कहा है तो आए खुद माफी मांगे फिर कोई और बात होगी बस। Show me all your beauty.